यहाँ की पेंटिंग्स देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा चेहरा खिल गया, बिकॉज़ इतने सारे कलर, हमारा कल्चर, छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि साइकिल है, म्यूज़िक है, डांस है, चाय वाला है, दरवाज़ा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सारा कुछ देखकर मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं एक ऐसी जगह पर आ गई हूँ जहाँ मैं सब फील कर सकती हूँ कि सब कुछ मेरे आसपास है। और स्पेशली इनमें भरे हुए जो रंग हैं, बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स जो हैं, उससे मुझे इनर सोल की वाइब्रेशन मिली है, मैं ये बता सकती हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी कि ये सारी चीज़ें इतनी ब्यूटीफुल, इतना मैं क्या कहें, एक एक चीज़ों के, इनके शेप्स, साइकिल, हरिद्वार सॉरी वाराणसी और डांस फॉर्म्स, वो इतने एक्यूरेट हैं और इतने ब्यूटीफुल हैं। मतलब आर्ट भी है, इंडिया का एक एक प्लेस भी है, हेरिटेज भी है, सो इट्स अ वेरी मिक्स फीलिंग। मतलब यहाँ खड़े क्या पूरे इंडिया को। सर जैसे आस्था और निकिता जी ने कहा कि बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेंगे लोग इस तरह की पेंटिंग से, क्योंकि रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो दिखाई गई, थोड़ा सा बताइए क्या इंस्पिरेशन थी इसके पीछे, और थोड़ा सा अगर पेंटिंग्स के बारे में हमारी ऑडियंस को बताया। एक्चुअली जो मैं कहना चाहता था वो इन्होंने ऑलरेडी कह दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी ज़िंदगी में जो हर पल घट रहा है वो अपने आप में एक टॉपिक है, अपने आप में एक सब्जेक्ट है। इस समय हम लोग खड़े हैं, आप लोग हैं, मुझे एक कंपोजिशन नज़र आ रही है बहुत अच्छी, कि बहुत अच्छी एक पेंटिंग बन सकती है। तो मैं, मेरा जो नज़रिया है चीज़ों को देखने का, जगहों को देखने का, और किसी भी मान लीजिए प्रोग्राम है उसको देखने का, इवन कोई कबाड़ खाना है उसको भी देखने का, तो वो क्योंकि हर चीज़ अपने आप में उसके एक शेप है, फॉर्म्स हैं, उसमें अपनी खूबसूरती है, तो उस खूबसूरती को, चाहे वो सिंपल से सिंपल चीज़ भी है, मैंने कोशिश की है कि कैनवस पर लेके आऊँ, और कैनवस पर आने के बाद उसके मायने ही बदल गए। ये मुझे उम्मीद थी कि ऐसा होगा और ऐसा हुआ। तो आप लोगों के मुँह से ये सब सुनना, बाकी सब के मुँह से भी ये सब सुनना, मुझे लगता है कि जब आर्ट गैलरी में पेंटिंग लगी होती है या किसी फेस्टिवल में लगी होती है, तो चलते चलते अगर किसी के कदम एक सेकंड के लिए भी रुक जाते हैं पेंटिंग को देखें, मुझे लगता है मैं सफल हो गया। बिकना ना बिकना फिर से मैं कहूँगा वो अलग बात है, लेकिन अगर किसी के कदम रुक जाते हैं काम को देख के, तो मैं सफल हो गया। मुझे लगता है कि ऊपर वाले का आशीर्वाद है, आप सबकी दुआएँ हैं, आप सबका प्यार। सर जब आर्टिस्ट को सपोर्ट करने आता है ऐसे टाइम पर, जैसे निकिता जी और आस्था जी, क्या कहना चाहेंगे, कितना हौसला। इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। आज के युग में जो वर्तमान स्थिति है, जो हमारा सिस्टम है चारों तरफ, वो ज़्यादातर यही है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, मेरा काम होना चाहिए, बाकी ये जो है। और इसकी शुरुआत जैसे गीता जी ने मैंने बताया कि उन्होंने मुझे बुलाया शरद से, और शरद जी ने उसकी वजह से शो हुआ, प्लस ये सपोर्ट जो आज उन्होंने कड़ी की, सब आप सब लोगों की वजह से, तो उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अदरवाइज़ तो आदमी पहले अपना लालच देखता है, तो मेरा लालच कहाँ होता है, बट ये कि मुझे सिर्फ विशेष देने के लिए, मुझे ब्लेसिंग्स देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आज इतने सारे लोग यहाँ इकट्ठा हैं, तो मुझे लगता है शब्दों की ज़रूरत नहीं है मुझे। निकिता जी, पेंटिंग्स को लेके कुछ मेमोरीज है बचपन में, कभी अगर कुछ पेंटिंग या मेमोरी शेयर करना चाहें बचपन की। मैं बहुत ही मैं समझती थी कि मैं कुछ पेंट कर लेती हूँ, बट ये जब देखा है तो ना मुझे मेरा कोई एक्सपीरियंस याद आ रहा है, ना मुझे मेरी कोई पेंटिंग याद आ रही है, बट हाँ स्कूल में कर लेते थे। बहुत अच्छी पेंटर तो नहीं हूँ, बट ऐसा कुछ है पेंटिंग को लेकर, इतना समझ सकती हूँ कि इन्होंने जो कहना चाहा है पेंटिंग के थ्रू, वो समझ सकती हूँ। मैं उस लेवल की थोड़ी अच्छी पेंटर हूँ। बचपन मतलब बींग इन टू इंटीरियर डिज़ाइनिंग, मेरी तो स्टडीज़ ही इसमें हुई थी, सो हमें सीखना पड़ता है, सो दैट वॉज द रीज़न। बट हाँ, मैं इतनी अच्छी, जिस
हिसाब से यहाँ पर पेंटिंग है, मैं इसके आगे तो कुछ भी नहीं, बट हाँ कुछ अच्छे हो जाते हैं पेंटिंग, बट मैं चाहूँगी कि ऐसे इनकी पेंटिंग्स देखा करूँ। देखने में जो सुकून है वो बनाने में मुझे नहीं लगता। आई फील मोर एक्साइटेड व्हेन आई सी, आई फील सो हैप्पी इमेजिनेशन जान के कि किस हिसाब से क्या होगा, क्या थॉट होगी, क्या कलर वाइब्रेशन, ये सोच देख सकती हूँ, समझ सकती हूँ, बट आई विल यू नो इतने कोई खास एक्सपीरियंस मैंने खुद की पेंटिंग में नहीं फील की जो यहाँ फील कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गाना अभी 10 दिन में रिलीज हो रहा है। अरशद की मूवी जो है रोटी कपड़ा एंड रोमांस, वो 17 जुलाई के दिन रिलीज हो रही है, जी प्लेटफॉर्म पर है। एक ऑलरेडी ग्रे इज़ द कलर, वो जी पे ऑलरेडी स्टीमिंग है, गाना ऑन द फ्लोर है, नवाजुद्दीन वाली पिक्चर की शूटिंग स्टार्ट हो गई है। तो बस आप लोगों का आशीर्वाद, आप मुझे इतना प्रमोट ही कर देते हो कि काम ही आ जाता है। दो लाइन तो बता सकते हैं गाने की दो लाइन जो है वो थोड़ी सी रोमांटिक है, पेंटिंग के हिसाब से भी शायद जाएगी। पेंटिंग एंड रोमांटिक, पेंटिंग ही अपने आप में रोमांस है। गाने की दो लाइन है, शायद शायद दिल करे बेमानी, देखो तुझे आग लगी है रुमानी, बस इतना बस याद के लिए। टाइटल शायद शायद दिल है। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। ये कमाल है, बेमिसाल। आई जस्ट एंटर्ड एंड आई फेल्ट सो सो गुड एंड समबडी हैज सेड इट इज लाइक सो सो राइट एंड द करेक्ट थिंग, लाइक यू नो एवरी कैनवस हैज इट्स ओन जर्नी, यू नो सो इनकी इसका नाम भी है जर्नी। तो हम ये देख रहे हैं कि कैसे हमारा हिंदुस्तान दर बदर बदलता जा रहा है। हमने साइकिल से शुरुआत करी, इन्होंने हमें चाय दिखाई है, इन्होंने हमें ये सुबह दिखाई है, इन्होंने हमें गंगा का घाट दिखाया है। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो घाट देखकर ना मैं बनारस में चली गई थी, और वहाँ जो सुबह का माहौल होता था ना वो इनकी पेंटिंग से दिखता है। वो तो सिर्फ पेंटिंग नहीं है, वो कुछ बोल रही है, वो पेंटिंग बता रही है हमें कि ये कितने जिंदा दिल, कितने ये सादगी से भरपूर व्यक्ति हैं। पर इनकी पेंटिंग देखेंगे ना आप, इतना रंग भरा हुआ है, इतना खूबसूरत है, और इन्होंने दर्शाया है नृत्य, इन्होंने दर्शाया है संगीत, और इन्होंने हमारा हिस्ट्री दर्शाई है हमें, इन्होंने हमें इतने सुंदर फोर्ट दिखाए हैं। तो मैं जयपुर भी पहुँच गई, मैं बनारस भी पहुँच गई, मैं पुराने लखनऊ भी पहुँच गई, और जहांगीर में तो हम हैं। तो ये पेंटर की खासियत होती है कि वो एक ही जगह पर इस रूफ के अंदर इन्होंने हमें पूरा हिंदुस्तान दिखा दिया। तो मैं बहुत आभारी हूँ इनकी कि इन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, और आई एम सो सो ब्लेस्ड एंड फॉर्चुनेट टू बी यू नो स्टैंडिंग विद सच सच टैलेंटेड आर्टिस्ट। गीता मैम इज वन ऑफ देम, ग्रोवर्स आर लाइक सो मल्टी टैलेंटेड पीपल रहे आर, आई एम सो ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ग्रोवर्स आर। तो मैं ये करती हूँ कि कला की यात्रा तो अनंत है, वो एक जगह रुक नहीं सकती, और हम लोग तो एक जैसे बोलेंगे एक समुद्र में एक बूंद, उतना ही कंट्रीब्यूशन, ये हमसे पहले भी था, हमसे बाद में भी रहेगा, हम भी कर रहे हैं अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। इनकी यात्रा की यात्रा भी अनंत है, और ये और आगे जाए और आगे बढ़े, देश विदेश क्या जितनी भी इसकी समस्त संभावनाएं है वो ये पूरी कर सकते हैं जहाँ तक भी चांद, इसमें कोई जहाँ तक स्टैग्नेशन नहीं हो सकता ना, आर्ट में चलता रहना चाहिए। और ये इनके काम अभी भी जो भी हैं वो सब एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी को दिखाते हुए और बहुत ही पावरफुल एक्शन से भरपूर, और कलर एप्लीकेशन सब कुछ बहुत खूबसूरत है। हम क्या इसमें टेक्निकल बात करेंगे, वो खुद इतने अच्छे मंजे हुए कलाकार हैं। तो बस अच्छा लगा, अच्छी चीज़ अच्छी लगती है उसके लिए बहुत शब्द नहीं होते, जो अच्छा लगता है उसकी कोई डेफिनेशन भी नहीं होती। तो वैसे भी इनकी आर्ट ने निशब्द कर दिया है हम सबको। Like I feel sometimes that every time you look at his work, you find something new. Yeah. You feel अरे ये miss कर गए, अरे ये कभी ये देखा क्यों नहीं। Paintings are so diverse and has so many aspects in this that it will take a long time to really look at your work and enjoy.
diversity which I have not seen in recent times. And the colors or the moods, of course there is definitely the hint of that photography thing which I see the perspective and the image, and that translating that image itself is a skill, I feel, because you probably reflect back on it and that's how you must be painting. True. And I'm still waiting to hear from him his process, which will make us understand it a little better. But I really wish the show all the success, and it's wonderful to meet you. Thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you so much. मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा. हाँ, ये शी इज़ अ डियरेस्ट फ्रेंड अंकिता खत्री, बनारस से हैं और ये बहुत फेमस राइटर हैं, सिंगर हैं, एंड शी इज़ अ वर्ल्ड क्लास एंकर, और अभी बॉम्बे बेस हो गई हैं काफ़ी टाइम से, और काफ़ी इनके नए नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं. तो मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट पे बहुत सारी बुक्स भी इनकी आई हैं. इनके हस्बैंड बहुत ज़बरदस्त फोटोग्राफर हैं, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज ये भी हैं यहाँ पे. मैं कहूँगा यही बोलें क्योंकि ये बनारस की हैं और हम लोगों ने साथ में काफ़ी प्रोग्राम्स वगैरह किए भी हैं. तो अंकिता आप इधर आओ. अरे पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं, बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंद्रजीत सर, क्योंकि मेरे लिए नया है उनको इस रूप में देखना. मेरी सबसे पहले मुलाकात उनसे बनारस में ऐसे हुई थी कि आई वॉज एंकरिंग और आप प्रोग्राम, बहुत बड़े अधिकारी हैं आप कल्चरल सेक्टर के, तो मैंने उनके अंदर एक डायनमिज्म देखा और बहुत ही इनोवेशन है उनके अंदर. एक सिंपल से भी प्रोग्राम को जिस तरह से एग्जीक्यूट करते थे, तो मैं उस वक्त से उनसे बहुत ही इम्प्रेस्ड और इंस्पायर्ड थी. मुझे पता नहीं था कि अंदर से उनके अंदर इतना बड़ा एक कलाकार है. बहुत लेटर स्टेज में मुझे, मेरे लिए तो बिल्कुल लाइक इट्स अ व्हाट डू वी से दैट मोमेंट, there's a beautiful word also, epiphany kind of moment, to realize that oh my god, he is a brilliant artist, painter hai, aur jaise ki aap unki paintings mein dekh sakte hain, अभिभूत करती हुई चित्र है यहाँ पर जो भी दिख रहा है. रियलिज्म को उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट की तरह ट्रीट किया. द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रशेस इज़ डेफिनेटली एब्स्ट्रैक्ट तरीके से, बोल्ड नाइफ से, लेकिन उसमें एक रियलिस्टिक आर्ट का जो फील आया, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर है. दैट एक्चुअली स्पीक्स अबाउट हिज पर्सनैलिटी ऑल्सो, जो कि कॉम्बिनेशन है, इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी मैनी टैलेंट्स. वो यहाँ पर बोल रहे, दूसरों को बहुत तारीफ कर रहे, विच इज़ अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिज पर्सनैलिटी, इज़ वेरी जेनरस. तो एक कलाकार की आप कला में उसके व्यक्तित्व को भी आप देख सकते हैं, उसको प्रमाणित करती है उसकी कला. इसके साथ साथ ही ये बेहद सुरीले हैं. इज़ अ वंडरफुल सिंगर. तो या ऑफ कोर्स आप हैरान हो जाएंगे. ओ माय गॉड, मैं भी बहुत हैरान हुई. और इसीलिए आपको इनकी कलाकृतियों में ना बहुत ही रिदम, लिरिक, और आप देखिए किस तरह से इन्होंने डांस की जो पेंटिंग्स बनाई हैं, इनके अंदर का ये रिदम है, म्यूज़िक है, जिसने इनको डांस ऐसे नहीं कोई बना सकता है. सो यू नो द काइंड ऑफ पेंटिंग्स दैट ही हैज़ मेड, सो दैट स्पीक्स अ लॉट अबाउट व्हाट इंद्रजीत ग्रोवर जी इज़ ऑल अबाउट. तो मुझे, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मेरी खुशनसीबी है कि आज इस वक्त मैं मुंबई में हूँ और आज इस वक्त मैं यहाँ उपस्थित हो पाई, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है. ढेर सारी शुभकामनाएं. आज वर्ल्ड म्यूज़िक डे भी है इत्तेफाक से, और जैसा कि इंद्रजीत जी का कैटलॉग आपने देखा होगा, उसमें बहुत बोल्डली मेंशनड है, अ न्यू जर्नी बिगिंस, राइट? माई न्यू जर्नी बिगिंस. सो ऑल चीयर्स टू योर न्यू जर्नी. मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मैनी मोर रिवेलेशंस. जी बिल्कुल, इस कैटलॉग में आप देख सकते हैं क्या लिखा है इन्होंने, माई न्यू जर्नी बिगिंस. सो दिस इज जस्ट अ बिगनिंग, लेडीज एंड जेंटलमैन, जो भी हमें सुन रहे हैं या देख रहे हैं, मैनी मोर टू कम. दिस इज द फर्स्ट एंड वी आर होपफुल. दे आर वेटिंग फॉर टू लाइंस फ्रॉम यू. Both of you. Should be a I would request Chandraji ji. देखिए जनता की बेहद डिमांड पर. कैसा बेटा, बड़े दिनों में देखा. मेरा एक गीत टी सीरीज से अभी हाल में निकला है, जो गंगा की लहरों पर, माँ गंगा की लहरों पर पिक्चराइज्ड है और उन्हीं को डेडिकेटेड है. तो उसकी जो दो लाइनें हैं,
जीवन एक नैया ऊपर वाला ही खेवैया, उसके हाथों में दे सब छोड़ पार लगा दे तू उस ओर, ओरे माझी ले चल पिया के देश रे। तो ये चंद लाइनें हैं जो मैंने डेडिकेट की हैं सर को, इंद्रजीत जी को, कि आपकी ये जर्नी जिसके बारे में मैम अभी बात कर रही थी वो निरंतर आगे प्रगति पथ पर बढ़ती रहे, एंड यू जस्ट फ्लो विद द फ्लो। बिकॉज कि आज मतलब वर्ल्ड योगा डे भी है, म्यूजिक डे भी है, और आज इंद्रजीत डे भी है, इंद्रजीत डे भी है। मेलोडी कम्स अलाइव इन द पेंटिंग। एक्जेक्टली। और आप देखिए सावन बरस रहा और खुद ये इंद्रजीत बैठे साक्षात इंद्रदेव। अगर आपने मन से बनाया है और ज़्यादा इंस्पायर करता है बहुत शुरू से ही, बहुत पुराना गाना है, शायद कम लोगों ने सुना है, किशोर जी का है, उसकी दो लाइनें गाता हूँ और इसका एक एक वर्ड कोशिश करता हूँ इम्प्लीमेंट भी हो और बहुत अच्छा है, खूबसूरत है। अरे वो कल मिलेगा। जीवन से ना हारो जीने वाले, बात मेरी तो मान करे मत वाले, हर गम को तू अपना कर, दिल का दर्द छुपा कर बढ़ता चल, तू लहरा कर दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर, जीवन से ना हारो जीने वाले, बात मेरी तो मत करे मत वाले। थैंक यू। Stop.